इनके जो सारे नेता है ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा कद में पड़ गए छोटे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बुधवार को दतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधिया ने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कहा, उनके सारे बड़े नेता विचित्र टाइप के नेता, पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए लेकिन अहंकार में भाई वाह। जब हम यूपी में काम कर रहे थे तो यूपी वाले हैं तो शिकायत, गुस्सा और नाराजगी सब निकाल देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि महाराज बोलने की आदत नहीं है, लेकिन उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहता था कि दीदी महाराज, महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता है तो काम ही नहीं होता है। वैसे अपने परिवार की परंपरा उन्होंने अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुत से लोगों ने किया है लेकिन ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ पर छुरा घोपा है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया आपने सरकार। पहले तो हमारे सिंधिया जी जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए है? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की तो हम भी यूपी के हैं आदत है, हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई विधायकों के साथ कांग्रेस में बगावत कर दी थी और सभी बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी खूब उठा रही है। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुतों ने किया है लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए।